अस्सलाम वालेकुम गाइस, रेशमाज गार्डन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप जब करेले की सब्ज़ी घर में बनाते हैं तो उसमें जो बीज निकलती है उसको आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और उसमें नए पेड़ निकल आते हैं। तो मैंने ये सब्ज़ियाँ काटी हैं बनाने के लिए। ये करेला भी मेरे जो मैंने सब्ज़ी काटी है ये भी मेरे गार्डन की ही है। तो आप जब मार्केट से करेला लाते हैं तो इस तरह से जो अंदर से रेड हो जाते हैं ना, जो बीज अंदर से रेड रेड से हो जाती है, अंदर वाला पोर्शन जिसमें रेड हो जाता है उसी की वही बीज लीजिएगा। और देखिए, मैंने इसको अलग कर लिया है, जो रेड रेड के अंदर से उन बीजों को अलग कर लिया है। और उसको आप पानी में डाल के चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं। अगर आपकी बीज ऊपर तैर रही है तो समझ लीजिए वो सही नहीं है, और अगर नीचे बैठी है तो समझ लीजिए वो सही बीज है, आप उसको बो सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको 20-25 घंटे भिगो दीजिए। आप करीब एक दिन भिगो दीजिए, दूसरे दिन आप इसको अपनी मिट्टी में लगा दीजिए। तो देखिए, बाद में आप इसको निकाल लीजिए दूसरे दिन। इस तरह से मैंने निकाल लिया है और इसको आप अपने सॉइल में हल्का हल्का गड्ढा करके इसको डाल दीजिए। ये जो मैंने सॉइल मीडिया लिया है इसमें देखिए, इसमें कोको पीट है 50% और 50% इसमें पत्तियों की खाद है। तो पत्तियों की खाद आप मिला लीजिए और उसको अच्छे से लगा दीजिए और पानी डाल दीजिए उसके बाद। और इसके बाद आप इसको किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर 1 घंटे की या 1.5 घंटे की धूप आती हो, या इसमें छन के धूप आती हो तो और अच्छी बात है। छन के आप देर तक भी धूप आती तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी पेड़ निकल आते हैं। तो देखिए, ये पेड़ निकल आया है। अब इसको मैं अपने गमले में लगा दूंगी। ये मेरे पास ये एग्रो बैग है, इसमें पहले करेला लगा हुआ था, करीब मैंने 3-4 दिन पहले ही इसको खाली किया है, हटा दिया है करेला। अब ये सर्दियों वाले करेले इसमें लगा देंगे। तो देखिए, इसको मैंने इसको खाली नहीं किया है। आप वैसे इसको अगर आप फिर से इसकी मिट्टी नई मिट्टी तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं नई मिट्टी तो नहीं तैयार कर रही हूँ, मैं इसी में खाद वगैरह दे दूँगी अच्छे से, ऐसे ही थोड़ा गुड़ाई कर देंगे और इसमें थोड़ा खाद वगैरह दे के इसमें लगा देंगे। ज़्यादा मेहनत अभी मुझसे हो नहीं पाएगी, मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं लग रही है। तो देखिए, इस तरह से आप इसमें खाद वगैरह दे दीजिए। तो आप इस तरह से जब खाद दे देंगे, देने के बाद आप इसको थोड़ा जैसे हो सके अच्छे से, तो आप इसकी गुड़ाई वगैरह अच्छे से कर दें, दोनों मिट्टी और खाद सब मिला दें अच्छे से, जैसे हो सके अच्छे से। मिलाने के बाद इसमें जो मोटी मोटी मिट्टियाँ हैं, गुट्टे हैं, उसको आप तोड़ दें। तोड़ कर इसको जो ज़्यादा बड़े हैं टुकड़े, उसको आप अलग कर दें। इस तरह से आप मिला के खाद, अगर आपके पास पत्तियों की खाद है उसको मिला दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका भी। और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप उसको 20% मिला दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आपके पास जो भी खाद अवेलेबल है आप उसको इसमें डाल दीजिए और ये प्लांट निकाल के इसमें से लगा दीजिए। देखिए, इसमें 4 प्लांट मेरे तैयार हो गए हैं। तो इसमें से 2 इसमें लगा देंगे और 2 दूसरी एक मेरी बकेट खाली है, 2 प्लांट इसमें लगा देंगे। तो देखिए, ये मैं इसमें से निकाल ले रही हूँ। देखिए, एक हाथ में कैमरा है तो थोड़ा दिक्कत से कर पा रहे हैं। तो आराम से आप इस प्लांट को निकाल लीजिए, जड़ें टूटने ना पाए जिसमें, आराम से निकालिए। देखिए, ये दोनों प्लांट एक साथ निकल आए हैं, 2 प्लांट एक साथ निकल आए हैं। इसको मैं इसी पॉट में लगा दूंगी। ये मेरा जो ग्रो बैग है, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था इसको, ये 12x15 इंच का ग्रो बैग है, इसमें ठीक ठाक हो जाता है।
थोड़ा बड़े ग्रो बैग में ही आप लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। आपके पास 25x25 का अगर रहेगा तो और अच्छा रहेगा, तो आप ग्रो बैग में लगाएं। ग्रो बैग में सब्जियां वगैरह बहुत अच्छे से होती हैं, तो इस तरह से आप इसमें गड्ढा कर दीजिए हल्का सा, और गड्ढा करके इसमें लगा दीजिए और मट्टी से किनारे किनारे कवर कर दीजिए अच्छे से। मैं दो पेड़ इसमें लगा रही हूँ, अगर अच्छे से चलते हैं दोनों तो चलने दूंगी, और अगर एक गड़बड़ाता है कोई तो उसको हटा देंगे। इस तरह से आप इसको लगा दीजिए। दूसरा देखिए, मेरा ये प्लांटर है, प्लांटर क्या है, ये एक बकेट है, इसमें सेम का पेड़ लगा हुआ था पहले, इसको भी इसी तरह से कर लेंगे अच्छे से गुड़ाई करके, उसमें खाद वगैरह मिला के इसमें भी उसी तरह से लगा देंगे। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, और बेल आइकन भी दबा दें जिसमें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, इस तरह से आप इसकी भी मिट्टी अच्छे से तैयार कर लीजिए खाद वगैरह डालकर। मैंने इसको सही कर लिया है सब मिला के। उसके बाद आप क्या करिए, ये जो प्लांट है इसको भी इसी तरह से इसमें लगा देंगे। तो आप को बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से आप जो करेला घर में काटते हैं उसमें से आप निकाल के इस तरह से पेड़ लगा सकते हैं। देखिए, जो मिट्टी बची है ये भी इसी में पलट देते हैं, तो इस तरह से इसको भी लगा दीजिए इसमें। हल्का सा गड्ढा करिए, और जितनी बड़ी जड़ उतना आप गड्ढा कर दीजिए, उसके बाद उसमें लगा के मट्टियों से किनारे किनारे कवर कर दीजिए। इसमें भी दोनों लगा दे रहे हैं, इसमें भी दोनों लगा देंगे तो अगर सही चलता है तो ठीक है, नहीं तो हटा देंगे एक पेड़। देखिए, मैंने दोनों पेड़ लगा दिए इस तरह से। जब आप लगा दें तो इसमें पानी दे दें, पानी इतना दे दें कि नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, लेकिन बार बार पानी ना दें, जब तक कि इसका पानी अच्छे से सूख ना जाए तब तक पानी ना दिया करें। और इसको हमेशा सुबह के टाइम ही लगाइएगा, या एकदम शाम को लगाइए तो और अच्छी बात है, नहीं एकदम सुबह लगाइए। और इसको थोड़ा सा अभी ऊपर से कवर कर दीजिए, इसमें ज़्यादा तेज़ धूप अभी ना लगे। फिर उसके बाद आप 2-4 दिन बाद इसको आप कवर हटा दीजिए। देखिए, ये बर्ड जो है, देखिए कैसे इंसेक्ट को खा रही है। देखिए, ये पेड़ों पे आती रहती हैं और अपना कीड़े वगैरह इसमें से निकाल के खाती रहती हैं। मैंने सुबह सुबह लगाया है, देखिए सुबह के टाइम बहुत सी बर्ड्स आती हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है देख के। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।